हेलो, कैसे हैं? अभी आजकल तो दिल्ली में फिर से नया महाभारत का ड्रामा चालू हो गया है। हस्तिनापुर के महाराज यानी कि युधिष्ठिर अर्थात केजरी चचा पूरा फंस गए हैं। कहा है कि उनका अर्जुन अर्थात कपिल मिश्रा रिवोल्ट कर दिए हैं। वो बोले हैं कि महाराज युधिष्ठिर ना अधर्म कर रहे थे और हम अधर्म नहीं देखना चाहते हैं, और उसके चक्कर में उन्होंने पूरा तीर जलाना शुरू कर दिया है। वो ये भी बताया कि ये युधिष्ठिर बाबा हम द्रोणाचार्य जैसा मानते हैं इनको। कहा है कि इन्हीं से हम बहुत सारा चीज़ सीखे हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि उन्हीं पर तीर चलाना है। लेकिन वो कपिल मिश्रा रोज तीर चलाते हैं अलग अलग, एक के दिन में सारा तीर नहीं चलाते हैं। रोज 11 बजे टाइम में शुभ मुहूर्त बनाते हैं, उस टाइम में तीर चलाते हैं। हालांकि आजकल वो अनशन पे बैठ गए हैं और कह रहे हैं कि उनके जो और बाकी मंत्रीगण थे बहुत ही विदेश यात्रा करते थे फर्जी तरीका से, तो उसका भी बता रहे हैं कि वो अधर्मी सब थे, तो उनका भी चिट्ठा खोल के बैठे हैं। और उन्हें भीष्म पितामह यानी कि अन्ना बाबा वो भी बोल दिए हैं कि हमको तो भरोसा पूरा उठ गया है इस आदमी पर से। अब यदि आरोप सही साबित होता है तो हम अनशन पे हम भी बैठेंगे और इसका इस्तीफा दिलवाएंगे। खैर देखिए आगे क्या होता है। लेकिन वो जो महाराज हैं वो खुद को हरिश्चंद्र का दूसरा अवतार बता रहे हैं, और इसको साबित करने के लिए पूरा सभा के बीचों बीच में फिर से ईवीएम को द्रौपदी जैसा चीरहरण करवाए। और बोले कि द्रौपदी का चीरहरण कोई भी कर सकता है और कोई भी कृष्ण भगवान नहीं बचा सकता है, तो अपने कृष्ण भगवान यानी कि इलेक्शन कमीशन वो पूरा जग गए हैं। और वो बोले हैं कि नहीं, चीरहरण ईवीएम का कोई नहीं कर सकता, यदि किसी में दम है तो इसको हमारे सामने प्रूफ करके दिखाइए। देखिए चैलेंज तो दिए हैं, अब आगे क्या होता है वो तो बाद में पता चलेगा। खैर अभी तो ऐसा चल रहा है कि पूरा एकदम पोल खोल अभियान चल रहा है पूरे देश में। कहा है कि उन्हें अवध देश की जो पूर्व राजकुमारी थी यानी कि अपने बुआ मायावती वो भी पकड़ा गए हैं। उनका भी वो एकदम खासो खास चेला थे वो भी बागी बन गए, और बोले हैं कि बहुत पैसा खाती हैं, अभी वो उनसे पैसा मांग रही थी ऐसा कुछ बता रहे हैं। खैर ये सब तो पॉलिटिक्स में चल ही रहा है। उन्हें आईपीएल के अभी 2 क्रिकेटर पकड़ाए हैं पैसा लेते हुए, सट्टेबाजी करते हुए। खैर वैसे भी आईपीएल में क्रिकेट का खेला कम अब पैसवा का खेला ज़्यादा होता था, तो ये सब चीज़ तो होना एकदम वाजिबे है, नया बात नहीं है सट्टेबाजी वाला बात। अभी कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट जो निर्भया कांड के आरोपी थे उसके फांसी की सज़ा को कंटिन्यू किए थे, लेकिन उस फांसी की सज़ा से कोई डरा नहीं। कहा है कि उससे भी घिनौना और घृणित काम अभी राजस्थान में हुआ है, रोहतक में। तो बताइए कुछ ना कुछ और भी ज़्यादा ताकतवर चीज़ करना पड़ेगा इस चीज़ से बचने के लिए अपने देश में। खैर एक वो अच्छा वाला समाचार अभी देखने में मिला था कि कश्मीर का जितना भी युवा सब है उसमें बहुत ही हजारों के हजार संख्या में पुलिस की बहाली के लिए आए थे आगे। ये थोड़ा अच्छा खबर है। और हालांकि अभी कुछ दिन पहले ये एक और कश्मीर के युवा शहीद हो गए थे आतंकवादियों के चक्कर में, तो यानी कि कश्मीर के युवा पत्थरबाज ही नहीं होते हैं, वो देशभक्त भी होते हैं। तो खुश रहिए, कहे कि हम फिर से अगुल का वीडियो बनाएंगे, वो 1 सप्ताह के बाद बताएंगे। तब तक के लिए आराम से रहिए बिना किसी टेंशन के। जय राम जी की।